हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएम एकेडमी। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेवल 1 क्वेश्चन 11 टू 20। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11 हमने पास दिया गया है, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट एक प्राइमरी एमाइड, यहाँ पर CONH2 है, जिसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, NaOBr, जो कि किससे बना है, NaOH प्लस Br2 के साथ में। तो हमारे पास में कोई भी एमाइड जो NaOH प्लस Br2 के साथ में रिएक्शन देगा, तो कौन सी रिएक्शन शो करेगा, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी प्राइमरी एमाइड है, लेट्स से RCONH2 एल्काइल ग्रुप अपन ने यहाँ पर मान लिया, R कोई सा भी है, NaOH प्लस Br2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, RNH2। यहाँ पर हमारे पास इंट्रा मोलिकुलर रीअरेंजमेंट या माइग्रेशन होता है, तो इसका कॉन्फिग्रेशन चेंज नहीं होता, डजंट चेंज कॉन्फिग्रेशन, यानी कॉन्फिग्रेशन doesn't change because of intramolecular rearrangement होने की वजह से mechanism में इसका configuration change नहीं होगा, यानी retention of configuration होगा। तो इसका जो अपन product बनाएंगे directly amine group जो जोड़ेंगे after the reaction, वो क्या होगा, simple इसी group को ऐसा कैसे लिखिए आप, methyl जुड़ा हुआ है, phenyl जुड़ा हुआ है, hydrogen जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CONH2 की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल amine आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके आप मैकेनिज्म देखना चाहें कि ये इंट्रामोलिकुलरी कैसे होता है, तो वो अपन देख लेते हैं। मैकेनिज्म इसकी कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास सबसे पहले एमाइड दिया हुआ है, RC डबल बॉन्ड NH2, इसमें ये बेसिक मीडियम से एसिडिक एच ले लेगा, एसिडिक एच ले लेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH-। ये हमारे पास क्या अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज Br पे अटैक करेगा इस तरह से, और हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH Br। फिर आप बेस का यूज़ करेंगे तो फिर एसिडिक एच यहाँ से ले जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा RC डबल बॉन्ड N-Br। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ये माइग्रेशन होगा इस तरह से, और यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप, देन Br। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब यहाँ पर बनेगा RN(C)O, एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और यही हमारा क्या है, RDS स्टेप है, और यही हमारा क्या है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसलिए फिर इसका आप क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो OH- का अटैक होगा इस कार्बन पर यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, RN(C)O-OH। फिर आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके बाद हमारे पास बन जाएगा RN-C(OH)। ये एसिडिक एच को ले जाएगा, तो एसिडिक एच को ले जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, RNH(C)(O-). ठीक है, O- में अब ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, RNH-, जिसको आप वाटर देके क्या बना लेंगे, फाइनल एमाइन का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा RDS स्टेप है, उसमें क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा है। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट में यदि हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप है वो कायरल कार्बन है उसमें, तो वहाँ पर कॉन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है उसमें कायरल कार्बन है, तो इसका कॉन्फिग्रेशन वैसा का वैसा रहेगा, इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट ए बनेगा। ठीक है, इसलिए आंसर यहाँ पर ए है। नेक्स्ट है 12th। 12th में हमारे पास यहाँ पर देखिए फिनॉल डेरिवेटिव दिया हुआ है, जिसकी CHCl3 प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन होगी, तो कौन सी रिएक्शन दिख रही है आपको, ये हमारे पास है Reimer-Tiemann रिएक्शन। ठीक है, Reimer-Tiemann रिएक्शन में हमारे पास CHO ग्रुप जुड़ेगा किस पे, इस ये भी अपने पास ERG ग्रुप है और ये भी ERG ग्रुप है, तो दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप होगा उसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो अपने पास में क्या होगा, यहाँ पर मैकेनिज्म देखें, सबसे पहले ये OH और यहाँ पर OCH3, तो NaOH से अपने पास में सबसे पहले बेसिक मीडियम में यहाँ से एसिडिक एच को ले जाएगा अपने पास, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर O- और यहाँ पर OCH3। ठीक है, अब CHCl3 प्लस NaOH से अपने को इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिलता है, आप यहाँ पर देखिए CHCl3 NaOH से बेस है अपने पास, ये एसिडिक एच लेके जाएगा और नेगेटिव कहाँ पर बन जाएगा, कार्बन पे, तो वाटर रिमूव हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को उठाना है अपने को,
तो क्लोरीन लीव कर जाएगा, क्लोरीन लीव कर गया तो अपने पास क्या बन गया, डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है, जो कि क्या है, कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे अपन, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो किस तरह से होगा, अपने पास यहाँ पर एक ओ माइनस है और यहाँ पर ओ सी एच थ्री है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप कौन सा है, प्लस एम ग्रुप आप देखें तो हमारे पास ओ माइनस स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है, देन ओ सी एच थ्री, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इजिली डोनेट कर देगा बजाय इसके न्यूट्रल ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ पर ओ माइनस का प्लस एम ज़्यादा है तो इसके ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ना कि ओ सी एच थ्री के। तो इससे आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ई आर जी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा, हमारे पास मॉलिक्यूल अब ये वाला बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड, यहाँ पर सी सी एल सी एल, यहाँ पे नेगेटिव, और ये ओ सी एस थ्री यहाँ पे है। अब यहाँ पर ये एच दिया हुआ है, ये क्या करेगा, इस एसिडिक एच को लेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड इधर आएगा और यहाँ पर इस तरह से, तो क्या बन जाएगा, वापस अपन ने एरोमेटिक रिंग बनाई है, सिंपल और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग बनाई क्योंकि वो स्टेबल है, और यहाँ पर सी एच सी एल सी एल, फिर आप इसकी एन ए ओ एच के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों के दोनों जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएंगे ओ एच से, इस कार्बन से एक ओ एच यहाँ पर, एक ओ एच और यहाँ पर, और वाटर का रिमोल हो जाएगा, वाटर का रिमोल हो गया तो हमारे पास में फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, अपने पास यहाँ पे ओ माइनस है और ये सी एच डबल बॉन्ड हो, क्योंकि एक कार्बन पे दो एच हाईली अनस्टेबल है। अब जो वाटर रिमूवल हुआ है वो ही इसको एसिडिक एच दे देगा ओ माइनस को, हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बन गया, या अपने पास यहाँ पर एसिडिक एच प्लस भी दिया हुआ है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट अपने पास जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओ एच सी एच ओ, और इन सब में अपन ने यहाँ पर ओ सी एच थ्री भी मेंशन कर देना है, यहाँ पर ओ सी एच थ्री, यहाँ पर भी ओ सी एच थ्री, ओ सी एच थ्री। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा, तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, हमने पास यहाँ प्राइमरी एमाइड है जिसकी एन ए ओ एच प्लस बी आर टू के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और एमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास हाफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन रिएक्शन है। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में अपने को यहाँ पर पता करना है कि मोल्स ऑफ एन ए ओ एच, तो सिंपली ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर सोडियम कितने मोलिक एटम्स होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए दो सोडियम इधर है, दो सोडियम इधर है, दैट मीन्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर होगी। तो यदि आप इसको रिएक्शन को इस तरह से लिखते हैं तो आपको सिंपली इस क्वेश्चन में बैलेंस ही करना था, इसको आपको मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अपने को यहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स भी साथ में दिए हुए हैं, आर एन एस टू प्लस टू एन ए बी आर प्लस एन ए टू सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ। तो अब हमारे पास ये पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है, तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मोल्स ऑफ एन ए ओ एच यूज्ड आर फोर। इसकी यदि आपको मैकेनिज्म पूरी देखनी है तो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 11 में इसकी मैकेनिज्म हाफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन की डिटेल में समझाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन में हमने पास यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन टुवार्ड्स बैकमान रीअरेंजमेंट। तो बैकमान रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे हमारे पास ऑक्साइम बनता है सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर कोई भी ओ एच, ठीक है, ओ एच टू प्लस बनता है, फिर हमारे पास जिस स्टेप में वाटर का रिमूवल होता है वो स्टेप क्या होता है, आर डी एस होता है। तो हमारे पास यहाँ पर वाटर क्या एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए अपने पास आर डी एस स्टेप में जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। इसी लॉजिक को अपन को यहाँ पर अप्लाई करना है, दैट मीन्स हमारे पास ये जो गामा है ये जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगी इस बैकमान रीअरेंजमेंट में। तो यहाँ पर अपने पास गामा क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट अपने पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, सेकेंड अपने पास क्या दिया हुआ है सी एल सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, थर्ड अपने पास क्या दिया हुआ है पी एच एस ओ थ्री माइनस, ठीक। अब हमने पास इन दोनों इनमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखनी है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी अपन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो एनायन होगा वो क्या होगा, वीक बेस होगा और अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो ये अपना लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होगा। इसमें हमारे पास थ्री इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है, इन दोनों में देखें तो दोनों में इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, टू इक्वल आर एस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी टू इक्वल आर एस, बट यहाँ पर एडिशनली क्लोरीन का माइनस आई लग रहा है जो कि एनायन को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, इसलिए हमारे पास ये वाला इससे ज़्यादा एसिड स्टेबल एनायन है, तो अपने पास अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर ये है, अपने पास वन टू थ्री, ये लिविंग ग्रुप ऑर्डर है, तो यही अपने पास क्या होगा,
रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होगा, 1 2 3, जो कि ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है अपने पास, 3 2 1, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हेन प्राइमरी एमाइन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन इथेनोलिक KOH देन प्रोडक्ट इज। तो प्राइमरी एमाइन अपने पास क्या होता है, लेट्स से हमने RNH2 ले लिया, जिसकी रिएक्शन किसके साथ आ रहे हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और इथेनोलिक KOH, इथेनोलिक KOH यानी एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, RNC, आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास है कार्बिल एमिन रिएक्शन, ठीक है, कार्बिल एमिन रिएक्शन। इसमें मैकेनिज्म किस पॉइंट से कैसे होगी, इसमें हमारे पास सबसे पहले क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से अपने को जो रिएक्ट अपने पास इलेक्ट्रोफाइल होगा उसका फॉर्मेशन करना है, तो OH- क्या करेगा, एसिडिक एसिड लेके जाएगा और यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चला जाएगा, तो बन क्या जाएगा, Cl, यहाँ पर नेगेटिव, इस नेगेटिव को हटाने के लिए अपन क्लोरीन को रिमूव करेंगे तो बन क्या जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो अपने पास जो एमाइन RNH2 वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट कर रहा है इस तरह से, तो क्या बन जाएगा, RNH2+, ठीक, यहाँ पर कार्बन पे दो क्लोरीन लग गए, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ठीक। अब हमारे पास में क्या करना है अपने को, यहाँ पर नाइट्रोजन को रिमूव कर देंगे जिससे हमारे पास ये क्या हो जाए, RNH, और यहाँ पर देखें तो नेगेटिव Cl, और अपने पास जो एसिडिक एच था वो इस पे चला जाएगा, तो यहाँ पर ये एच आ जाएगा, CHCl, ठीक है। इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर OH- से एसिडिक एच वापस नाइट्रोजन पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये इधर जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन लीव कर जाएगा, तो HCl रिमूव हो गया, HCl रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बन गया, RN डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर Cl। फिर हमने क्या यूज़ किया, फिर बेस यूज़ किया OH- एस, फिर हमारे पास ये कहाँ जाएगा, ये हमारा H+ लेके निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पर पुट करेगा और यहाँ पर क्लोरीन माइनस के फॉर्म में लीव कर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी HCl लीव करेगा, बट यहाँ पर अपने पास क्या रह गया, नाइट्रोजन पे अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया, यानी एक जस्ट लाइक कैसा है, कार्बिन जैसा है, और कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो यहाँ पर अपना नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट करेगा जिससे इसकी वैलेंसी फुलफिल हो जाए या कंप्लीट ऑक्टेट हो जाए, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इसी को आप क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं RNC, ठीक, जो कि अपना एल्काइल आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बन सकता है। तो यहाँ पर अपने पास आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बिल एमिन रिएक्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 16, द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक KOH एंड पैराटोलुइडीन, पैराटोलुइडीन अपने पास क्या होता है, अपने पास पैराटोलुइडीन होता है NH2 यहाँ पर और CH3, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, कि जो एमाइन है वो कन्वर्ट होगा किसमें, आइसोसाइनाइड में, यानी यहाँ पर प्राइमरी एमाइन कन्वर्ट हो जाएगा NC में, जैसा कि अपन ने प्रीवियस रिएक्शन में देखा है यहाँ पर, कि प्राइमरी एमाइन का क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर अपने पास में फाइनल प्रोडक्ट ये बन रहा है, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हाट इज द प्रोडक्ट क्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हमारे पास में ये CHFCBr दिया हुआ है, इसमें क्या जुड़ा है हमारे पास, हाइड्रोजन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बेस अपना, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में अपने पास क्या होगा, एसिटिक एसिड ले जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बन पे आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन और यहाँ पर नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हटाने के लिए अपने को लिविंग ग्रुप करना है, तो यहाँ पे अच्छा लिविंग ग्रुप सबसे आयोडीन है, तो यहाँ पर फाइनल जो अपने पास कार्बिन बन जाएगा उस पर अपने पास क्या क्या जुड़ा रहेगा, ब्रोमीन और फ्लोरीन। अब इसकी आप रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तो हमारे पास सबसे पहले ये जो दिया हुआ है मॉलिक्यूल इसमें क्या होगा, अपने पास सबसे एसिडिक एच निकालना है, सबसे पहले अपने पास एसिडिक एच निकलेगा बेस की प्रेजेंस में, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो अपने को दिया हुआ है उससे एसिडिक एच यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ से H+ रिमूव करने के बाद में हमारे पास जो एनायन बनेगा वो एनायन क्या बनेगा, आप गौर से देखें तो वो एरोमेटिक एनायन बन रहा है, 5-membered रिंग में यहाँ पर ये एरोमेटिक बन रहा है। इसके बाद अपन इसकी रिएक्शन क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल के साथ या इस कार्बिन के साथ में कराएंगे, तो यहाँ पर
ये एल्कीन इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाएगा। साइक्लाइजेशन किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर साइक्लाइजेशन यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन और फ्लोरीन। यहाँ पर अपने पास नेगेटिव है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर तो कंज्यूम हो गया, एक हमारे पास यहाँ पर बच गया। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे लीव कौन सा ग्रुप करेगा, बी आर लीव करेगा, जो कि फ्लोरीन से अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो अब हमने पास यहाँ पर कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, एक तो 5 मेंबर, आप ऐसा कैसे रहने दें। दूसरी रिंग जो अपन बोल रहे हैं वो नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लीजिए। 6 मेंबर रिंग अपन ने बना ली, तो यहाँ पे 1, 6 पे हमारे पास पाई बॉन्ड यहाँ पर है, 2, 3 पे पाई बॉन्ड यहाँ पर है और 4, 5 पे हमारे पास पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा, ठीक है। और फोर पोजिशन पे आप देखिए 1, 2, 3, 4, फोर पोजिशन पे फ्लोरिन जुड़ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा डी। 10th क्वेश्चन भी अपने पास में कार्बिन का फॉर्मेशन ही है, तो यहाँ पर CHBr2 और NaOH दिया हुआ है, तो यहाँ पे कार्बिन का फॉर्मेशन करेंगे पहले। तो किस तरह से मैकेनिज्म होगी वो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इस कार्बन से CHBr और यहाँ पर एक और Br जुड़ा हुआ है, इससे बेस जो OH- सबसे पहले एसिडिक एच ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले ये एच को ले गया, फिर Br लीव कर जाएगा और कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब इस कार्बिन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि हम ब्रॉडर टर्म, क्योंकि एल्कीन के साथ में इंसर्शन रिएक्शन टाइप से इसको शो करेगा। तो यहाँ पर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इसके साथ Br जुड़ गया और यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस पर और ये वापस इस पर करेगा। तो यहाँ पर कैसे रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर रिएक्शन में कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल मिल जाएगा 1, 2, ठीक है। ये हमारा किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा और यहाँ पर Br जुड़ जाएगा। तो ये इस तरह का अपने पास में ऑप्शन कहीं में दिख रहा है, तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन ए में यहाँ पर एक कार्बन ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक कार्बन ऐड होगा इस ऑप्शन में, तब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस ऑप्शन में करेक्शन है जो आपको कर लेना है, क्योंकि आपने को यहाँ पर इस कार्बन को यहाँ पर मिस किया गया है, जो कि अपने पास यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 19th अपने को बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव क्लोरोबेंजीन एज अ प्रोडक्ट। तो जैसे प्रीवियसली अपन ने देखा है कि CHCl3+OH-, इससे अपने पास क्या इंटरमीडिएट बनेगा, डाईक्लोरोकार्बिन CCl2। ये कैसे बनेगा अपने पास में, यदि आप लेते हैं क्या CHCl3, बीस अपन ने लिया OH-, एसिडिक एच प्लस यहाँ से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा ClCl, यहाँ पे नेगेटिव, ये Cl रिमूव हो गया, तो हमारे पास क्या बनेगा डाईक्लोरोकार्बिन, ठीक है। अब डाइक्लोरोकार्बिन के आप इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, इससे अपन एसिडिक एच को ले जाएंगे OH- से, OH- एसिडिक एच को ले गया, तो हमारे पास यहाँ पर एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एनायन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। इसके आप कार्बिन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, कार्बिन के साथ में रिएक्शन कराएंगे कुछ इस तरह से, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट अपने पास ये वाला बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर कार्बन, फिर क्लोरीन क्लोरीन, दैट मीन्स ये इस तरह से रिएक्शन शो करेगा और क्लोरीन लीव कर जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमारे पास बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बन रहा है। सिमिलरली केस का अपन देखें तो जहाँ पर भी डाईक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर तो ये रिएक्शन होगी, यहाँ पर अपने पास में कार्बिन कौन सा बनेगा, यहाँ पर अपने पास BrCl ClH। तो सबसे पहले OH- से क्या होगा, इस H+ को ले जाएगा, H+ को ले जाएगा, तो इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, फिर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बना उसको हटाने के लिए Br लीव कर जाएगा, तो फाइनली डाईक्लोरोकार्बिन ही बनेगा। अब डाईक्लोरोकार्बिन के साथ इसके साथ भी सेम रिएक्शन होगी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का ही फॉर्मेशन होगा, जो कि यहाँ पर अपन ने मैकेनिज्म फॉलो की है, ठीक है। तो बी ऑप्शन में भी क्लोरोबेंजीन मिल रहा है, ए में भी क्लोरोबेंजीन मिल रहा है। सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि उसमें कार्बिन क्या मिलेगा। सी ऑप्शन में हमारे पास में क्या होगा, सी एच अपने पास यहाँ पर BrCl और यहाँ पर H, बेस OH- की प्रेजेंस में क्या होगा, इस एसिडिक एच को ले जाएगा, तो बन क्या जाएगा, इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर Cl नेगेटिव, इस नेगेटिव को हटाने के लिए Br लीव करेगा, तो इस कार्बन से क्या जुड़ गया, एक Br जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा डिफरेंट टाइप का आ रहा है। बट इस केस में भी आप देखेंगे, रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कराने पे हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो एसिडिक एच ले जाएगा, ये एसिडिक एच ले जाएगा तो हमारे पास में क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल, इसमें हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा ये। इस मॉलिक्यूल में फिर आप डाइक्लोरो ये कार्बिन के साथ में रिएक्शन करेंगे, कार्बिन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बन गया, अब ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर सी एल बी आर, ये नेगेटिव क्या आएगा यहाँ पे आएगा और ये बोन इधर, तो फिर बी आर लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर भी अपने पास फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, ठीक है। बट इसी तरह से अपन देखें लास्ट वाला ऑप्शन, उसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी एच एफ सी एल बी आर आई। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में देखते हैं कि किस तरह का कार्बिन यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और हमारे पास ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ओ एच माइनस से क्या होगा, एसिडिक एच लेके जाएगा और बन क्या जाएगा यहाँ पर मॉलिक्यूल, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यहाँ पर नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हटाने के लिए आयोडीन लीव कर जाएगा, आयोडीन लीव किया तो हमारे पास कार्बिन कौन सा बनेगा, कार्बिन बनेगा, कार्बन पे फ्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ, यहाँ पे क्लोरीन कहीं पर भी ऐड नहीं है, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्लोरोबेंजीन तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले ओ एच माइनस से एसिडिक एच ले गया, एसिडिक एच ले गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये एनायन किस तरह से रिएक्शन करेगा, ये अटैक करेगा इस पर, फिर ये रिवर्स बैक होके यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन रिंग किस तरह से बन जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव इस कार्बन से फ्लोरीन देन ब्रोमीन, अब ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे जाएगा, तो बन क्या जाएगा, और फिर बी आर लीव कर जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट अपने पास जो बनेगा वो फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने को यहाँ पे क्या बोला गया था कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें क्लोरोबेंजीन नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। 20 में हमारे पास यहाँ पर एक एल्कीन दिया हुआ है साइक्लिक, जिसकी 3 मोल CH2I2 जिंक विद कॉपर के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास है सिमोन स्मिथ रिएक्शन, ठीक है। सिमोन स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है उसको अपन एग्जांपल देके समझ सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होती है ये यूज्ड होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन विदाउट कार्बिन फॉर्मेशन। यहाँ पर कार्बिन इंटरमीडिएट नहीं बनता, विदाउट कार्बिन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैकेनिज्म किस तरह से होती है इसका अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि डबल बॉन्ड को किस तरह से रिएक्शन करेगा। तो यदि हमारे पास अपन साइक्लोहेक्सीन ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सीन की आपने CH2I2 के साथ में रिएक्शन कराई जिंक विद कॉपर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपेन रिंग मिल जाएगी, जैसे कि अपन क्या करते हैं कार्बिन में करते हैं। तो इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होती है कि अपने पास CH2I2 अपने पास जो दिया हुआ है वो क्या है, अपने पास CH2I यहाँ पर आई, ठीक है। जिंक अपने पास क्या होगा, अपना लोन पेयर देगा और अपने पास ये लीव कर जाएगा, फिर वापस अटैक करके जिंक पे आ जाएगा, तो बन क्या जाएगा यहाँ पर CH2IZNI, जैसे कि आप फ्रैंकलिन रिएजेंट में करते हैं। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब अपन साइक्लोहेक्सीन यहाँ पर लाएंगे, फिर इसकी रिएक्शन एक जिसे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है वैसे होंगी। यहाँ पर ये अटैक कहाँ पर करेगा, इस पर अटैक करेगा, यहाँ पर आयोडीन इधर जाएगा, फिर रिवर्स होके ये जिंक पे अटैक करेगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पेयर है बॉन्ड का ये वापस अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसमें हमारे पास यहाँ पर CH2 आके लिंक हो जाएगा, उसके साथ ही हमारे पास ZnI2 अलग से बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं सिमोन स्मिथ रिएक्शन। तो यहाँ पर भी अपने को सेम ही रिएक्शन फॉलो करनी है। तो यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अपने को ये 8 मेंबर रिंग दी हुई है, 8 मेंबर रिंग में अपने पास में जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी। तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी 1 मोल CH2 से, 1 मोल CH2 से यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग बना दी, 1 मोल CH2 से यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग बना दी, 1 मोल CH2 से यहाँ पर रिंग बना दी। तो इस तरह से अपन देखें तो ये अपना कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये अपने ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा ए। यहाँ पर आपको सिंपली डबल बॉन्ड पे साइक्लोप्रोपेन रिंग बना दी थी CH2I2 की प्रेजेंस में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो ए थम्स अप इफ इट इज यूजफुल फॉर यू। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल
Make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.